माननीय अध्यक्ष उत्तराखंड विधानसभा श्री गोविंद सिंह कुंजवाल जी आ चुके हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए। उनके साथ ही सेक्रेटरी आईटी डिपार्टमेंट श्री दीपक कुमार जी, डॉक्टर रवि गुप्ता जी सीईओ इलेट सेक्टर मीडिया, वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑडियंस टू वेलकम आर गेस्ट विद अ राउंड ऑफ अप्लॉज। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर रवि गुप्ता जी से हमारे माननीय अतिथि का स्वागत करें। शॉल और पुष्पगुच्छ से थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब मैं माननीय अध्यक्ष उत्तराखंड विधानसभा से अनुरोध करूंगा कि वो एप्रिसिएशन अवार्ड देने का कष्ट करें। मैं नाम बुलाता जा रहा हूं, आप लोग काइंडली डायस पे आने का कष्ट करें। ट्रेजरीज डिपार्टमेंट से मिस्टर एल एन पंत, कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट से मिस्टर तिरुआ, इलेक्शन डिपार्टमेंट से मिस्टर मस्तू दास, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मिस्टर दिगंबर सिंह, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मिस्टर आर के कुंवर, इलेक्शन डिपार्टमेंट से सर मिस्टर मस्तू दास। आई वुड रिक्वेस्ट फॉर अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आर स्पीकर्स। फिर मैं बुलाऊंगा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से मिस्टर दिगंबर सिंह जी को, बहुत बहुत। उसके बाद मैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से श्री आर के कुंवर जी को बुलाऊंगा, स्टेज पे आने का आग्रह करूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी से मिस्टर संजीवन सुंगथा जी को बुलाऊंगा। मैं अनुरोध करूंगा एमडीडीए से मिस्टर संजीवन सुंगथा जी को आने का और अपना, उसके बाद सीसीटीएनएस से मिस्टर एके पंत, जहां पर भी हो कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। जब लंच चलता था तब लगा लेते चार दिन से, क्यों मुझे बोलते थे ना यहां पे बंद रख रखा था मैंने, बहुत बहुत शुक्रिया। जब कैमरा बंद था तो लगा। उसके बाद फूड एंड सिविल सप्लाई से मिस्टर बिशेन जी, कृपया स्टेज पे आने का कष्ट करें भी और अपना अप्रिसिएशन अवार्ड ग्रहण करें माननीय अध्यक्ष उत्तराखंड विधानसभा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं माननीय अध्यक्ष उत्तराखंड विधानसभा श्री गोविंद सिंह जी कुंजवाल जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आकर दो शब्द कहने का कष्ट करें। ई उत्तराखंड 2015 समिट के बारे में सर दो शब्द कहेंगे। आईटी विभाग द्वारा दोनों एक दिवसीय कार्यशाला के समापन समारोह में हम सब के बीच उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री तिवारी जी, हमारे अपर मुख्य सचिव फॉर्मेट करके दे दो इसमें आदरणीय श्री राजू जी, प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी और आईटी के सचिव
आदरणीय केरोला जी, डॉक्टर राकेश कपूर जी, आप क्या करोगे लगा तो खींच ही रहे, और आदरणीय रवि गुप्ता जी यहाँ पर उपस्थित, कल कर लेना अब, कल है अब परसों, सभी प्रतिभागी, आप सबने आईटी के क्षेत्र से किस तरह से हम अपने विभागों को लाभ पहुंचा सकते हैं इस संबंध में बहुत गहन विचार विमर्श और जो विभागों में आज तक काम हो रहा है उस पर समीक्षा की होगी। मेरा ये मानना है कि पर्यावरण को बचाने की दृष्टि से आईटी विभाग बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है, और मैं तो ये चाहूँगा कि धीरे धीरे बहुत तेजी के साथ हर विभाग में पेपरलेस वर्क हो सके, इस दिशा में हम सबकी प्लानिंग भी होनी चाहिए, कार्य योजना बननी चाहिए और इस दिशा में काम भी होना चाहिए। आज देश के कई प्रांतों में, कई विभागों में पेपरलेस वर्क प्रारंभ हो चुका है, और अभी हाल में मैं गोवा विधानसभा में गया था, वहाँ एक कार्यशाला थी, उसमें हमारे लोकसभा की माननीय स्पीकर भी उपस्थित थी, तो उनके साथ मिलकर के हमने गोवा विधानसभा का जो पेपरलेस वर्क है उसको बहुत विस्तार से देखने का हम लोग को अवसर प्राप्त हुआ है, और निश्चित रूप से जो काम उन्होंने किया है वो सराहनीय काम है, वो काम हर विभाग में हो सकता है। इसके लिए आईटी डिपार्टमेंट और विभाग मिलकर के बहुत बड़ा लाभ प्रदेश को दे सकते हैं, और निश्चित रूप से पेपरलेस वर्क होने के बाद जहां हमारे पेड़ बचेंगे, जो कागज़ बनाने में आज बहुत अधिक पेड़ कटते हैं वो बचेंगे और उससे पर्यावरण हमारा दुरुस्त रहेगा। तो मैं समझता हूँ इस आधुनिक युग में बढ़ते हुए नए तौर तरीकों में जो आईटी क्षेत्र में काम होना चाहिए उस पर हमको गंभीरता से विचार करके उस दिशा में और अधिक हम काम कर सकें, ये प्रयास होना चाहिए। इसके लिए पर्यावरण भी हमारा बचेगा, हमारे अंदर तेज़ी से काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी, क्योंकि जब कोई चीज़ ऑनलाइन होगी आपके सामने है तो बहुत दिनों तक उसको आप रोक नहीं सकते। आज होता यह है कि एक फाइल किसी सेक्शन में जाती है तो वो महीनों तक जब तक कोई उस पर दबाव नहीं डालेगा वो पड़ी रहती है, उससे काम भी हमारा प्रभावित होता है। और अगर हम नई पद्धति के अनुसार काम करना प्रारंभ करेंगे तो मैं समझता हूँ ये सारी दिक्कतें दूर होंगी, और इस दिशा में आप सबने मंथन भी किया होगा, चिंतन भी किया होगा, और मैं समझता हूँ आगे हम किस तरह से इस क्षेत्र में बढ़ेंगे इस पर विचार भी किया होगा, और उस दिशा में आगे काम होगा ऐसा मैं मानता हूँ। यहाँ बताऊँ इस दिशा में हमारे आईटी के सचिव आदरणीय गौराला जी ने जो एक पहल की है वो पहल सराहनीय है, उस दिशा में उस पहल को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ये मैं उनसे भी कहना चाहूँगा। आप सबको जितने भी प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस समापन समारोह के मौके पर, और मंच में बैठे हुए सभी लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि ये कार्यशाला निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के आईटी के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। कर दिया कॉपी उन्होंने। मैं माननीय अध्यक्ष उत्तराखंड विधानसभा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जो अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी हमारे समक्ष आए। अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करूंगा दीपक कुमार जी को, सचिव सूचना प्रौद्योगिकी, ताकि वो दो शब्द हमारे बीच में रखें। सर ये वीडियो कॉपी करा दो, ये एक पेन का आज के समारोह के
वेलेंट्री फंक्शन के मुख्य अतिथि माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह कुंजवाल जी। सर्वप्रथम सर, मैं आपका हार्दिक धन्यवाद यहाँ पे प्रकट करता हूँ कि आप अपने व्यस्ततम समय में से इतना समय निकाल करके यहाँ पर आ सके, तो सर्वप्रथम सर आज इसमें आपका धन्यवाद। और सुबह से लेकर शाम तक और इस कार्यक्रम की तैयारी को करने के लिए हमारी जितनी भी टीम यहाँ पे लगी रही, तो मैं उन सभी का धन्यवाद यहाँ पे प्रकट करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हमें बहुत समय यहाँ पे दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उत्तराखंड के जितने भी शासन के अधिकारी, अपर मुख्य सचिव स्तर से लेकर के अपर सचिव स्तर तक के अधिकारी, पूरे विभागों के विभिन्न पदों पे आसीन अधिकारी जिन्होंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन किया, विभिन्न स्पीकर्स, हमारे जो बाहर से आए हुए मेहमान हैं, आगंतुक हैं, चाहे वो स्पीकर के रूप में हों, चाहे वो केवल पार्टिसिपेशन के रूप में आए हों, उन सभी का, हमारी जो टीम है जिसने यहाँ पे इस काम को करने में सहयोग प्रदान किया है, चाहे वो एलेट से हों, चाहे वो SEMT से हों, चाहे वो हिल्ड्रॉन से हों, उन सभी का मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और ख़ासकर जो बाहर से आगंतुक आए हैं, मैं बार बार उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उन्हीं की वजह से ये इवेंट सक्सेसफुल हमारी यहाँ पे हो पाई है। हमारे दूर दराज से यहाँ पे महिला अधिकारीगण भी आए हुए हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और प्रिंट मीडिया के जितने साथी हैं, उन सभी का मैं इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और गलती से अगर मुझसे कोई छूट रहा हो, उन सभी का मैं माफीनामा मांग करके उन सभी का धन्यवाद यहाँ पर प्रकट करता हूँ, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सचिव सर। अब मैं माननीय स्पीकर महोदय हमारे बीच हैं और मैं उनसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारा स्पेशल इशू ऑफ ई गवर्नेंस मैगजीन जो ई उत्तराखंड पे केंद्रित है, वो आज हमने उसको बांटा है और मैं चाहूँगा कि इस मैगजीन के फ़ोटो सर के साथ भी हो जाए तो अच्छा लगे। हमारे माननीय सेक्रेटरी IT की ओर से सबको धन्यवाद हुआ है, पर मैं इलेक्ट्स जो को ऑर्गेनाइजर है इस इवेंट की, उसकी ओर से एक बार और आप सभी को शुक्रिया कहना चाहूँगा। ये इवेंट आज इतना सक्सेसफुल हुआ है ये आपके कारण ही हुआ है, और ख़ासकर मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय चीफ सेक्रेटरी जी का, और सेक्रेटरी IT जो उन्होंने बहुत इनिशिएटिव लिया और पर्सनली काफ़ी एफर्ट्स किए इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में। और एक बार और मैं जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, MMRDA, सिस्को, कॉमसोर, उत्तरांचल टूरिज्म, वोडाफोन और नाइसा, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, और ऑल SEMT और हिल्ड्रॉन और सारे उत्तरांचल के जो सरकार के जो स्टाफ हैं उनका हमें बहुत सहयोग प्राप्त हुआ, सबका हमें धन्यवाद करना चाहूँगा। सो इसके साथ हम लोग इस प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगले साल ई उत्तराखंड 2016 में एक बार और आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।